नमः संस्कृताय, स्वागत है आप सभी का लोक विचार में। कल हम पढ़ रहे थे कारक के विषय में, और कारक के विषय में हमने कर्म के बारे में पढ़ा था, और उसमें मैंने ये कहा था, क्योंकि एक सूत्र हमारा छूट गया था, उसको हम आज कर लेंगे। और मैंने ये कहा था आपको कि कुछ ऐसे धातुएं हैं, अगर उनके आगे उपसर्ग रहेगा तब वे धातुएं क्या हो जाती हैं, आधार को भी कर्म कहने लग जाती हैं। ठीक है, आधार को भी कर्म कहने लग जाती हैं। उसी प्रकरण में एक सूत्र है, उसको देखेंगे, उपान उपान वध्यांग वसह। ठीक है, उपान वध्यांग वसह, ये सूत्र है। सूत्र के प्रकार की बात करें गुरु, तो ये सूत्र जो है ये आपका संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? तो ये संज्ञा कर रहा है आधार में कर्म संज्ञा करता है, आधार की भी कर्म संज्ञा कर देता है। उस पर अब हम चर्चा करें तो आप इसमें देखते हैं, शायद इस धातु से आप परिचित होंगे जिसका नाम है वस। क्या नाम है? वस। वस धातु है हमारे पास, और वस धातु से पहले उपसर्ग हैं उप, इसके बाद अनु, इसके बाद आपका अधि, और इसके बाद जो उपसर्ग है वो है आंग। अब इसको आप समझिए, ये कहता है कि अगर उप के आगे अगर वस हो, उप के साथ अगर वस लगा हो, इसी के तरह अगर अनु के आगे वस हो, ऐसे ही अधि के आगे अगर वस हो और आंग के आगे वस हो, तो ऐसी स्थिति में जो आधार होता है उस आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। आपको बस इस बात को याद रखना है कि उदाहरण देखते समय आप उदाहरण में देखिएगा कि अगर वहाँ वस धातु से पहले ये चार उपसर्ग में से कोई एक उपसर्ग लगा हो तो वहाँ आधार भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। इन्होंने जो उदाहरण दिया है उसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और प्रायः करके पूछ लिया जाता है। पहले देखते हैं उप, उप के साथ देखते हैं। देखिए, हरी ही वैकुंठम उप वसती। हिंदी अर्थ होगा कि हरि जो हैं वो वैकुंठ में वास करते हैं। हरि मतलब हरि, ठीक है, वैकुंठम अर्थात वैकुंठ में, वैकुंठ में वसति, उपवसति का अर्थ है वास करते हैं, वास करते हैं। अगर आप कारक चिन्ह की दृष्टि से देखें तो वैकुंठ में जो मे है, ये जब मे होता है तो वहां क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। ठीक है, और आधार की क्या होती है गुरु? आधार की होती है अधिकरण संज्ञा। क्या होती है? अधिकरण संज्ञा। अगर सामान्य दृष्टि से अगर आप एक बार वाक्य बनाएं और यहां से उप हटा दें, तब आपको वाक्य बनाना पड़ेगा हरि ही वैकुंठे वसती, अगर उप हटा दिया आपका। लेकिन पाणिनि ने सूत्र बनाया है कि अगर उप पूर्वक वस धातु हो, तो आप यहां पर देखते हैं हमारे पास उप पूर्वक वस धातु है, तो उप पूर्वक यदि वस धातु हो तो ऐसी अवस्था में उसका जो आधार है, उपवसति का आधार है वैकुंठ, अर्थात हरि कहाँ रहते हैं? तो हरि रहते हैं वैकुंठ के अंदर, तो उपवसति का जो आधार है वो है वैकुंठ। अगर वैकुंठ आधार है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उपपूर्वक वस का जो आधार है वो आधार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आधार चला जाएगा कर्म के अंदर। ठीक है, किस में चला जाएगा? कर्म के अंदर। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि हरि ही वैकुंठम उपवसति, इसमें वैकुंठ की कर्म संज्ञा जो है वो किस सूत्र से होती है? तो आपको बताना है उपान वध्यांग वसह। इसके बाद एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो कर्म है वो किसके स्थान पर हुआ है? तो अधिकरण के स्थान पर यहाँ पर कर्म का विधान किया गया। कर्म संज्ञा का विधान होता है उपान वध्यांग वसह, उपान वध्यांग वसाह, इससे हमारे कर्म का विधान होता है। और कर्म का विधान होने के बाद जो द्वितीय विभक्ति का विधान होता है वो होता है कर्मणि द्वितीय। किससे होता है?
कर्मणि द्वितीया, कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती, तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, यही सूत्र कहता है कि उपान वध्यांग वसह उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु का जो आधार है वह आधार भी कर्म कहलाता है। ठीक है, मुझे लगता है शायद इस बात को आप समझ गए होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही अगर हम उप के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं अनु का, किसका, अनु का, तो वाक्य बनता है हरि ही वैकुंठम अनुवसति, अर्थात हरि जो हैं वो वैकुंठ में वास करते हैं। यहाँ पर देखो वसति है या अनुवसति है, दोनों का एक ही अर्थ आएगा। ठीक है, तो अनु के योग में भी क्या हो जाएगा, अनु जब हमारा लगा हुआ है तो अनु के आगे वस है, तो इस अनुवस का जो आधार है वो है वैकुंठ। भाई हरि के रहने का आधार क्या है, वैकुंठ है। अब हरि के रहने का आधार वैकुंठ है तो सामान्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वैकुंठ में आपको आधार दिखाई पड़ेगा, और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है आधारो अधिकरणम, आपको पता होगा आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि जब वस के साथ अनु लगा होगा तो वहां आधार भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा हरि ही वैकुंठम अनुवसति, इस वाक्य के अंदर वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आपको बस याद रखना कि अगर अनु लगा हुआ है तो वहां पर उपान वध्यांग वसा ही जो है वो आपके आधार की या अधिकरण की कर्म संज्ञा करेगा। ऐसे प्रश्न आ जाए कि यहाँ पर द्वितीया किससे होती, तो कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र आपका कर्म में द्वितीया का विधान कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम अधि की बात कर लें, अधि की बात कर लें कि हमारे यहाँ पर जो है वो वैकुंठम अधि जो है वो लगा हुआ है अधि वसति, कि हरि ही वैकुंठम अधि वसति, हरि जो है वो वैकुंठ में निवास करते हैं या रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अधि लगा हुआ है वस के साथ, इसलिए इस अधि वस का जो आधार है भाई हरि के रहने का आधार जो है वो वैकुंठ है, और एक सामान्य दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर वैकुंठ जो है वो आधार है निवास करने का, लेकिन निवास करने का आधार है, परंतु ये कहा गया है कि जब अधि पूर्वक वस होगा तो ऐसी अवस्था में जो आधार है वो आधार भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आधार कन्वर्ट हो जाता है आपका कर्म के अंदर। ठीक है, तो आप इसको देखें, यहाँ पर सामान्य दृष्टि से आपको आधार दिखाई पड़ेगा लेकिन अधि बस है, इसलिए ये आधार भी हमारा कर्म में कन्वर्ट हो गया। कर्म में होने के बाद सूत्र लगेगा उपान वध्यांग वसह, ये कहेगा अगर अधि पूर्वक वस धातु हो तो उसका जो आधार है वो कर्म माना जाता है, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने का फायदा, देखो कोई भी संज्ञा अगर करते हो आप तो उस संज्ञा का करने का कोई ना कोई रीजन या फायदा होता है। यहाँ पर जो फायदा है कर्म संज्ञा करने का, वो फायदा है कि कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान कर देना। ठीक है, इसी प्रकार से आंग पूर्वक देख लेते हैं तो हरि ही वैकुंठम आवसति। ठीक है, हरि ही वैकुंठम आवसति, अर्थात हरि जो हैं वो वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, वैकुंठ में रहते हैं। अब यहाँ पर भी आप वही बात, यहाँ पर भी है जब आंग पूर्वक वस धातु हो गई, इसका जो आधार वैकुंठ है जो कि हरि का निवास स्थान है, उसकी अधिकरण प्राप्त था क्योंकि वो आधार में है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, लेकिन प्रकृत सूत्र के द्वारा उसमें कर्म संज्ञा का जो है वो विधान कर दिया गया। कर्म संज्ञा का विधान होने के कारण से कर्मणि द्वितीया से वैकुंठ में जो है वो द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है, हो सकता है कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि हरि ही वैकुंठम वसति या हरि ही वैकुंठे वसति, अब कौन सा ठीक है, अब कौन सा ठीक है। केवल वसति के योग में, केवल वसति का प्रयोग किया गया हो मात्र,
ठीक है। और ऐसी अवस्था में अगर आपसे पूछा जाए कि हरि ही वैकुंठम वसती या हरि ही वैकुंठे वसती, इसमें कौन सा वाक्य साधु है, कौन सा वाक्य ठीक है, तो केवल अगर वसती का प्रयोग करेंगे तो फिर वहां पर ठीक होगा वैकुंठे। ऐसी अवस्था में क्या होगा, वैकुंठे ठीक होगा। तो हरि ही वैकुंठे वसती अगर केवल वस का प्रयोग किया गया है, और अगर इसके आगे हम इन चारों उपसर्गों में से कोई एक उपसर्ग लगा देते हैं तो आप याद रखना जो जो आधार है वो कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, आप वाक्य बनाते समय आप ये चार उपसर्गों को देख लेना, अगर ये चार उपसर्ग लगे हुए हों वस के आगे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके उसको कर्म मान के चलना, वो अधिकरण में नहीं जाएगा। अधिकरण होते भी उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमारा जो है ये सूत्र जो है पूरा हो गया, केवल इसमें एक वार्तिक दिया हुआ है छोटा सा, उस वार्तिक को देख लेते हैं। देखिए उपवसति यहाँ पर एक उदाहरण आया था, क्या आया था, उपवसति, ठीक है। एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं जी आज एकादशी है और आज एकादशी का मेरा उपवास है। क्या है, उपवास, इसको मिटा देता हूं मैं। आज एकादशी का मेरा क्या है, उपवास है, ठीक है। तो उपवसति का अर्थ एक क्या होता है, एक अर्थ होता है रहना और एक अर्थ होता है उपवास रखना। क्या अर्थ होता है, उपवास रखना, ठीक है, उपवास रखना भी एक अर्थ होता है। तो अब ये आया कि जब उपवास रखने अर्थ में उपवसति का प्रयोग करेंगे, अभी तो यहाँ उपवसति का अर्थ हम रहने अर्थ में कर रहे हैं, भाई वैकुंठ में हरि रहते हैं, यहाँ उपवसति का अर्थ रहने के अर्थ में है। जब उपवसति का अर्थ उपवास करने के उसमें अर्थ में जाएगा तब क्या विभक्ति होगी, ठीक है। तो आप इसको देख लेते हैं, एक वार्तिक दिया इन्होंने, क्या दिया है देखिए, एक वार्तिक उसको देख लेते हैं वार्तिक को, क्योंकि इससे रिलेटिव है, इससे जुड़ा हुआ है और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए अभुक्त्यर्थस्य तु न, ठीक है, करे कि जब उपवस का जो अर्थ है, ठीक है, जब उपवस का जो अर्थ है अगर वो भुक्त्यर्थ हो, ठीक है, अभुक्त्यर्थ हो अर्थात खाना अर्थ ना हो, ठीक है भाई। अभुक्त उपवास में क्या करते हैं, वैसे तो खूब खाते हैं, उपवास के नाम पर आपको खूब केले मिलेंगे, वैसे तो आप एक ही केला खाओगे रोज, लेकिन जब उपवास होगा तो आप शायद हो सकता दो तीन दर्जन केले पूरे दिन में लपेट जाओ, उपवास होगा तो हो सकता आप कुट्टू के आटे की पूड़ियां पता नहीं कितनी खा जाओ। उपवास एक वो प्रक्रिया है जो आपको ये स्वतंत्रता देती है कि आप पेट भर के खा सकते हो किसी और के नाम पर, ठीक है। वैसे आप अकेले खाओगे घर के अंदर तो हो सकता बच्चे मांगने लग जाएं, बड़े मांगने लग जाएं कि हमें भी खिलाओ हमें भी खिलाओ, और उपवास के नाम पे खाओगे तो गुरु कोई मांगने वाला नहीं है। तो बोले अभुक्त्यर्थस्य, उपवास के अर्थ में होता अभुक्त्यर्थ, देख लीजिए आप अभुक्त्यर्थ उपवास होता है, भुक्त्यर्थ जो है उपवास नहीं है। तो अभुक्त्यर्थस्य तू ना, अगर उपवस, उपवस ये जो धातु है अगर ये अभुक्त्यर्थ हो अर्थात उपवास करना हो, ना खाना हो, खाने की क्रिया वहां पर ना हो, तब जो इसका आधार है वो आधार कर्म नहीं होगा, अधिकरण ही रहेगा। वो आधार क्या होगा, कर्म नहीं होगा, अधिकरण रहेगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कहा गया वन में उपवास करता है, उपवास करता है, करता है, ठीक है। अभी आप इसको हिंदी वाले वाक्य को देख लीजिए, वन में उपवास करता है कोई व्यक्ति जो है वो एकादशी का या अन्य कोई उपवास जो कहाँ कर रहा है, वन में कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए उपवसति, हम क्रिया का सीधे पहले प्रयोग कर देते, उपवसति का किया, उपवास का किया, उपवसति अर्थात उपवास करता है, उपवास करता है। आपने कहा था कि उपपूर्वक जब कभी वस धातु होगी तो वो वस धातु का जो आधार होगा वो कर्म में चला जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार वन में कौन सी होनी चाहिए,
कर्म संज्ञा होनी चाहिए ऊपर वाले सिद्धांत के अनुसार। लेकिन वार्तिक कहता है कि अगर वहां अभुक्त्यार्थ हो, उपवस का अर्थ खाना ना हो, तो ऐसी अवस्था में अधिकरण अधिकरण ही बना रहता है, कर्म नहीं बनता। तो उपवास यहां पर अर्थ है ना खाना, अर्थात जंगल में जाके उपवास करता मतलब नहीं खाता है, ठीक है। तो यहां पर जो वन है वो की आधार था, लेकिन इस सूत्र के हिसाब से वो कर्म में कन्वर्ट हो रहा था, उसका निषेध कर दिया कि ये जो वन है ये आधार बना रहेगा, तो रूप बनेगा वने उपवसति, अर्थात वने उपवसति कि वन में जो है वो उपवास करता है, ठीक है। तो यहां तक जो हमारा है वो आपका कारक वाला हो गया है। अब आगे जो है वो उपपद विभक्तियों की बात चलेगी कि उपपद विभक्तियां क्या होती, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा। ये एक वार्तिक दिया है, देखो अब हम जो प्रारंभ करेंगे उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। मैंने कहा था ना आपको उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति का सीधा सा एक ही अर्थ होता है उपपद, उप कहते हैं समीप और पद कहते हैं पद को, अर्थात किसी पद के समीपता से जब विभक्ति का विधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। वैसे तो आपने ये पढ़ा ही होगा क्या बोलते हैं कार्य का, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि उभ सर्वतसोह कार्या धिगु पर्या दिशु त्रिषु द्वितीया मृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उभ सर्वतसोह कार्याः धिगु पर्या दिशु त्रिषु द्वितीया मृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। देखो कारिका तो हम समझेंगे, पहले इसके सीधी सी बात, इसके उदाहरण समझ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, इसके बाद हम पूरी कारिका को उदाहरणों से ही समझ जाएंगे। इसमें देखो शब्द आया है, बोले उभ सर्व तसह, उभ सर्व तसह, बोले उभ के साथ आप तस लगाइए, तस एक प्रत्यय है, और सर्व के साथ भी आप तस लगाइए। तो हम इसको लिख लेते हैं कि उभ के साथ सर्व, उभ के साथ जो है वो हम तस लगा लेते हैं, और इसके बाद जो है हम सर्व के साथ भी क्या है तस लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें एक बात आप याद रखना कि उपपद विभक्तियां जो हैं, तो यहां पर आपको इतना याद रखना है कि उभ मतलब उभय, उभय के पीछे में क्या लगा के चलना है तस, सा को विसर्ग कर दीजिए तो उभयता, बोले उभ सर्वतसः। इसी प्रकार से जो सर्व शब्द है इसके पीछे अगर हम तस लगाएंगे, ता को विसर्ग कर देंगे सा को, तो सर्वतः, ठीक है। और तीसरा एक शब्द दिया है, देखिए धिक, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं धिक, तो उभयतः सर्वतः और धिक। सामान्य अर्थ आपको पता होगा, हमें सामान्य ही इसमें समझना है, तो उभ सर्वतसो कार्या धिक, अर्थात उभ के साथ तस लगाना है और सर्व के साथ तस लगाना है, और जो धिक है बोले इनके योग में, अर्थात इनके कारण, ठीक है, बोले द्वितीया अर्थात द्वितीया विभक्ति क्या कार्या करनी चाहिए, ठीक है, इनके योग से क्या करनी चाहिए, बोले द्वितीया विभक्ति कार्या अर्थात द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए, इनके योग में इनके साथ जो दूसरा शब्द होगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। इस बात को याद रखना, इनमें द्वितीया का विधान नहीं है, इनके प्रयोग से अन्य शब्द में द्वितीया का विधान है, जिसके साथ इनका संबंध बैठेगा उस शब्द में द्वितीया होगी, इनमें द्वितीया नहीं होगी, ये तो उस द्वितीया का कारण बनेंगे, उपपद अर्थात समीप के पद होने के कारण से द्वितीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है, ठीक है। तो उभयतः के योग में अन्य शब्द में द्वितीया होगी, सर्वतः के योग में अन्य शब्द में द्वितीया होगी, और इसी प्रकार से धिक के योग में अन्य शब्द में आपकी द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए,
ये तो यहां तक हो गया। अब इसमें कुछ शब्द दिए हैं, बोले धिक् पर्यादिषु त्रिषु और आम्रेडितान्तेषु। देखो दोनों में सप्तमी विभक्ति है, यहां भी सप्तमी का बहुवचन है और इधर भी जो है वो सात का बहुवचन है, ठीक है। तो उपर्यादिषु त्रिषु, उपरी आदि त्रिषु अर्थात उपरी आदि जो हैं वो तीन, उपरी आदि जो हैं वो तीन हैं। तो उपरी आदि तीन कौन से हैं, तो एक शब्द है उपरी। क्या है? उपरी। इन्होंने पहले उपरी का नाम लिया, तो पहले हम उपरी देख लेते हैं। एक शब्द है उपरी, इसके बाद एक शब्द जो है वो है अधि, ठीक है। एक शब्द उपरी है आपका, एक अधि है, और इसके बाद है जो एक अधा। बोले एक उपरी है, एक अधि है और एक अधा है। तो उपर्यादिषु त्रिषु अर्थात उपरी आदि जो तीन हैं उसमें ये बात कर रहा है कि ये इन तीनों में, ठीक है। और ये कैसे होने चाहिए, तो कहते आम्रेडितान्तेषु, ये आम्रेडित होने चाहिए। देखिए आम्रेडित जो है वो क्या होता है, जब हम किसी शब्द को दो बना देते हैं अर्थात जब द्वित्व कर देते हैं, द्वित्व का अर्थ होता है, आपने व्याकरण की प्रक्रिया में बहुत जगह द्वित्व होता है, बहुत सारे स्थानों में आप किसी शब्द को जब दो बना दो, जैसे हमने उपरी को एक उपरी और लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से अधि के साथ एक अधि और लिख दिया, ऐसे अधा के साथ एक अधा और लिख दिया, तो इसको हम कहेंगे द्वित्व। क्या कहेंगे? द्वित्व। द्वित्व का अर्थ होता दो हो जाना। तो देखो उपरी और उपरी ये दो बार हो गया, अधि अधि ये भी दो बार चला गया, और अधा अधा ये दो बार चला गया, अब ये द्वित्व हो गया। तो द्वित्व होने के बाद एक सूत्र आपका लगता है, तस्य परमा मृडितम। क्या? तस्य परमा मृडितम। तस्य मतलब उस द्वित्व के अंदर जो आपने द्वित्व किया है, ऊपरी ऊपरी का द्वित्व हुआ है, अधि अधि का द्वित्व हुआ है, अधा और अधा का द्वित्व हुआ है। बोले यहां पर इन द्वित्व में जो परम, परम का अर्थ होता है बाद वाला। क्या? बाद वाला। इनमें जो बाद वाला है, देखो बाद वाला इधर ये है, ये पीछे अर्थात बाद में है, इधर अधि बाद में है, और इधर अधा बाद में है, ये सब बाद में है, ठीक है। तो द्वित्व में जो बाद वाला है अर्थात जो पीछे वाला है उसे क्या कहा जाता है? आम्रेडितम। इन तीनों को क्या कहा जाएगा? आम्रेडित। इनकी एक संज्ञा है आम्रेडित, इनका एक नाम है पीछे वाले का नाम आम्रेडित, ठीक है। तस्य परमाम्रेडितम अर्थात उसमें जो पीछे वाला है उसको आम्रेडित कहेंगे। वही कहा गया, बोले आम्रेडितान्तेषु, ठीक है, उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितान्तेषु, उपरी आदि जो तीन हैं जो कि आम्रेडित संजक हैं उनमें। बोले ततो अन्यत्रापि दृश्यते, तथा अर्थात वहां से अन्यत्र दूसरी जगह दृश्यते, दिखाई पड़ती है द्वितीय विभक्ति। तो इन शब्दों में नहीं द्वितीय होगी, इन शब्दों में द्वितीय नहीं होगी, इन शब्दों के योग में अन्य शब्दों में द्वितीय हो जाएगी, ठीक है। आप इसको याद रखना, इस शब्द के योग में अन्य शब्दों में द्वितीय हो जाएगी। अब बात यह आती है कि यहां पर अगर इन इन दोनों का, इन तीनों शब्दों का अगर दो हुआ है, द्वित्व हुआ है, अगर ये दो बार कहे गए हैं, तो उस दो बार कहने के पीछे क्या सूत्र है और क्या रीजन है, किस अर्थों में इनको द्वित्व किया गया है। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, वैसे इतना गंभीरता से पूछेगा नहीं, फिर भी मान लीजिए दिमाग है चल जाए, तो ये पूछ लिया जाएगा तो किस अर्थ में इनको द्वित्व किया गया। तो एक सूत्र है उपर्य ध्यधसाह सामीप्य। क्या है? उपर्य ध्यधसाह सामीप्य, सामीप्य। देखो सामीप्य का अर्थ होता है समीपता अर्थ में, सप्तमी है ना, सामीप्य समीपता अर्थ में। क्या? बोले उपरी
अधय और अधा, इनको क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। ठीक है, अगर समीपता अर्थ होगा तो यहां पर जो ऊपरी ऊपरी को द्वित्व हुआ है ये किस अर्थ में हुआ है, ये हुआ है समीपता के अर्थ में। सामीप्य है, यहां पर समीपता है, आप किसी के निकटता को कहना चाह रहे हो, किसी की समीपता को कहना चाह रहे हो। तो बस आप इसको बात को याद रखना कि कई बार अगर पूछ लिया जाए कि ऊपरी ऊपरी में या अध्य अधि में, अधि प्लस अधि में या अधा अधा में जो द्वित्व हुआ है वो किस बात को कहने के लिए हुआ है, तो ये आपका द्वित्व होता है किस बात को कहने के लिए, समीपता को कहने के लिए, सामीप्य अर्थ में। ठीक है, तो सामीप्य अर्थ में द्वित्व हुआ और द्वित्व होने के बाद इसमें जो पर है, पीछे वाला है, तो पीछे वाला ये है, ये आपका आम्रेडित कहलाता है और आम्रेडित कहने के कारण से इसके योग में जो है वो अन्य शब्द में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। तो अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, तो इसको मैं लिखा, चलो कोई बात नहीं, पहले हम उदाहरण देख लेते हैं उभयता, जो यहां पर उदाहरण दिया है, कहते हैं कि उभयता कृष्णम गोपः, उभयता कृष्णम जो है वो आपका गोपाह। ठीक है, तो उभयता कृष्णम गोपाह अर्थात कृष्ण के दोनों ओर जो हैं वो ग्वाले हैं। ठीक है, देखो उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, क्या अर्थ होता है, दोनों ओर, तो उभयता मतलब दोनों ओर, किसके दोनों ओर की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण के दोनों ओर, किसके दोनों ओर, कृष्ण के दोनों ओर। तो यहां पर जो उभयता ये जो शब्द है, ठीक है, इसका संबंध किसके साथ बैठ रहा है, कृष्ण के साथ। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं उभयता से आगे जो शब्द होगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी, तब गड़बड़ हो जाएगा। तब देखो उभयता के आगे गोपा भी है और कृष्ण भी है, तो जिस प्रकार से कृष्ण में द्वितीया होगी उसी प्रकार से गोपा में भी द्वितीया होने लगेगी। इसलिए मैंने क्या कहा आपसे कि उभयता का संबंध जिससे जुड़ेगा जाके, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। तो उभयता कृष्णम अर्थात कृष्ण के दोनों ओर हैं, दोनों ओर किससे संबंध है, कृष्ण के साथ, तो कृष्ण में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। उभयता कृष्णम कौन है, तो गोपाह अर्थात ग्वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर कैसे प्रश्न आएगा परीक्षा में, परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि उभयता इसके योग में यहां पर कौन से शब्द में द्वितीया हुई है, सामान्य सा है, तो आप कह सकते हैं कृष्णम में। अब प्रश्न आएगा कि कृष्णम में जो द्वितीया हुई है वो किस सूत्र से या किस कारिका या वार्तिक से हुई है, तो आपको ये एक कारिका दी होगी, आप इसका ही निशान लगाइए, और कोई नहीं है। यहाँ पर द्वितीया करने के लिए कर्मणि द्वितीया बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, यही विधान करता है कि वहाँ द्वितीया हो जाती है, वहाँ पर द्वितीया विभक्ति कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उभयता के योग में जो कृष्ण शब्द है इसमें क्या कर दी, द्वितीया का विधान कर दिया। किस कारिका से किया, ये जो हमारी ऊपर वाली कारिका है इससे हमने क्या किया, द्वितीया का विधान कर दिया। ठीक है, अगला उदाहरण हम इसी प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया। अगला देखिए, बोले सर्वतः सर्वतः कृष्णम गोपः, सर्वतः कृष्णम गोपः। यहां पर भी उसी प्रकार से अर्थ आएगा कि कृष्ण के चारों ओर जो हैं वो क्या है, ग्वाले हैं। देखो सर्वतः का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। ठीक है, सर्वतः का अर्थ होता है चारों ओर, तो चारों ओर कृष्ण के ग्वाले हैं। किसके चारों ओर ग्वाले हैं, तो कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं, ये कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। तो जो सर्वतः का जो संबंध बैठता है गुरु, वो बैठता है कृष्ण के साथ। ठीक है, कृष्ण के साथ बैठ रहा है। अगर सर्वता का संबंध कृष्ण के साथ है, तो इन्होंने कहा कि जहां पर तस् प्रत्यय का योग होता है उससे संबंधित जो शब्द है उसमें द्वितीया कर ली जाती है।
तो सर्वतः के योग में हमने जो कृष्ण है इसमें क्या कर ली, द्वितीया विभक्ति कर ली। अब आपसे सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि यहां पर सर्वतः के योग में किस शब्द में द्वितीया की है, तो आपको क्या उत्तर लगाना है, कृष्णम, अर्थात कृष्ण में आपकी द्वितीया है। ठीक है, अब पूछेगा किस सूत्र से या किस वार्तिक से, तो हमारे पास ये वार्तिक है, उभ सर्वतसोह कार्य आदि वार्तिक है, इस वार्तिक से जो है वो कृष्णम में क्या हो गई, द्वितीया हो गई। कर्मणि द्वितीया बिल्कुल नहीं लगाना है, कहीं आप कर्मणि द्वितीया के भूल मत करना, आपको ये देखना है कि आगे पीछे कोई विशेष शब्द तो नहीं लगा है, अगर आगे पीछे विशेष शब्द लगा होगा तो कर्मणि द्वितीया लगाने की आवश्यकता नहीं है। धिक् की बात करते हैं, कहते धिक् पिशुनम, धिक् पिशुनम, पिशुनम, धिक् पिशुनम, पिशुन अर्थात चुगलखोर, जो आपकी चुगली करता है उसको धिक् अर्थात धिक्कार है। इन्होंने कहा कि धिक् के योग में जो शब्द होता है, ठीक है, धिक के उपपद रहते जो दूसरा शब्द होगा उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। तो धिक के योग में जो पिशुन शब्द है, इस पिशुन में क्या कर दिया, इन्होंने द्वितीया कर दी। अब आपको इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर द्वितीया का विधान कर्मणि द्वितीया से ना होकर यहाँ पर उभ सर्वतसो कार्य इस कारिका से किया जाता है। उससे फायदा ये होगा आपको कि आपको कर्मणि द्वितीया सूत्र लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और परीक्षाओं में जिसका प्रश्न बनता है वो इसी प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर जो धिक है उस धिक के योग में कौन सी विभक्ति का विधान किया गया है। तो धिक् के योग में द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया है। सूत्र या कारिका जब आपसे पूछी जाएगी तब उस समय आप इस कारिका का उद्धरण देंगे, अन्य कोई टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये धिक् पिशुनम हो गया। इसी प्रकार से इन्होंने एक उदाहरण दिया है, धिक् त्वाम पापिनम, अर्थात तुम पापी को जो है वो धिक्कार है। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए, जब ये द्वित्व हुआ, ये तो हमारे सामान्य वाले उदाहरण थे, अगले देखते हैं जो आमरेडित संज्ञक हैं जिनमें द्वित्व हुआ। देखो, इसमें जब आपका द्वित्व हुआ तो द्वित्व होने के साथ साथ यहाँ संधि हुई। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ऊपरी प्लस ऊपरी है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इकोणची लगकर क्या हो जाएगा, ऊपरी ऊपरी क्या हो जाएगा, ऊपरी। ठीक है, ऐसे यहां पर अधि प्लस अधि जो है वो चला जाएगा अध्यधि, क्योंकि इकोणची लग जाएगा, अधि प्लस अधि अध्यधि, और अधा प्लस अधा जो है वो अधो अधो, ठीक है, या अधो अधा हो जाएगा आपका। तो अब इन तीन को उदाहरण देख लेते हैं। ऊपरी ऊपरी, मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो ऊपरी और ऊपरी में द्वित्व हुआ है उस द्वित्व के पीछे समीपता है। कई बार प्रश्न अगर मान लीजिए हो सकता पूछ लें कि यहां पर जो द्वित्व हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है, तो यहां पर द्वित्व हुआ है समीपता को कहने के लिए, यहां पर समीपता है। ठीक है, तो समीपता है ऊपरी और ऊपरी, अध्यधि और अधोवधा, सामीप्य को कहने के लिए द्वित्व किया गया है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण दिया है, बोले ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, अर्थ बैठता है कि हरि लोक के ठीक ऊपर हैं। ऊपरी ऊपरी क्या कहा था, समीपता ना, तो ऊपरी ऊपरी का अर्थ हुआ एक जैसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी अर्थात ऊपर 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 चले गए, ना, ऊपरी ऊपरी अर्थात ठीक ऊपर जो हैं, ठीक ऊपर जो हैं वो हरि हैं। किसके ऊपर हैं, तो लोक के। तो ऊपरी का यहाँ पर जो संबंध बैठता है, जो समीपता बैठती है, वो लोक के साथ बैठती है। ठीक है, तो लोक के साथ बैठती है इसलिए लोक में क्या हो जाएगी, आपकी द्वितीया विभक्ति का विधान हो जाएगा। ऊपर ऊपरी लोकम अर्थात लोक के ठीक ऊपर, किसके ऊपर, लोक के ऊपर, तो लोक के ऊपर हरि हैं, तो लोक में आपकी जो है वो द्वितीया विभक्ति का विधान कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे अध्यधि का देखिए, बोले अध्यधि लोकम, अध्यधि लोकम,
यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अध्यधि लोकम हरि, लोकम हरि, कि हरि जो हैं वो लोक के कैसे हैं, अध्यधि अर्थात ठीक नीचे हैं, ठीक है, अध्यधि अर्थात ठीक जो हैं, एक मिनट, हाँ अध्यधि मतलब ऊपर, इसका अर्थ भी ऊपर ही है, तो अध्यधि लोकम अर्थात संसार के इस लोक के ठीक ऊपर जो हैं वो हरि हैं। तो यहाँ पर भी जो अधि का जो द्वित हुआ है वो भी किस अर्थ को कहने के लिए हुआ है, सामीप्य अर्थ को कहने के लिए हुआ है, और उसमें जो पीछे वाला है ये आम्रेडित है, और आम्रेडित के योग में जो हमारा शब्द आएगा दूसरा उसमें द्वितीया कर ली जाएगी। अब यहाँ ये प्रश्न आएगा कि यहाँ पर ऊपरी ऊपरी लोकम में जो लोक है इस लोक में द्वितीया विभक्ति किससे आई है, तो आपको इस वार्तिक का उदाहरण देना पड़ेगा। अधोअधा की बात करें, ठीक है, अधोअधा की बात करें तो नवान मेघान अधोअधा, नवान जो यहां पर उदाहरण दिया है मेघान, अधोधा, नवान मेघान अधोधा था, नए बादलों के ठीक नीचे। देखो ठीक नीचे इसलिए बार बार कहा जा रहा है, ठीक ऊपर ठीक नीचे, ये कहने का कारण ये है कि ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ठीक जो है वो सामीप्यता को प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, आपकी सामीप्यता को दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो नवान मेघान अधोधा अर्थात नए जो मेघ हैं उनसे नीचे, ठीक नीचे, तो अधोधा का जो प्रयोग हुआ है इसके योग में किसके नीचे हैं, तो मेघों के नीचे हैं, तो मेघ में क्या हो गई, द्वितीया हो गई, द्वितीया का बहुवचन मेघान, और मेघ का विशेषण दिया है नव, तो नव में भी क्या हो गई, द्वितीया हो गई, अर्थात नवान मेघान अधोधा अर्थात मेघों के ठीक जो नीचे जो हैं वो क्या हैं, जो भी हो लोक है या हरि है या ईश्वर है या आप हो हम हैं, ठीक है, ठीक मेघों के नीचे पर्वत हैं, मेघों के ठीक नीचे जो हैं वो पर्वत हैं, तो अधोधा के योग में जो मेघ शब्द है इस मेघ में जो है वो द्वितीया विभक्ति का विधान कर लिया गया। प्रश्न ऐसे बनता है इसमें कि मेघान जो है इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान जो है वो किस सूत्र या वार्तिक से किया जाएगा या कारिका से किया जाएगा, तो हमारे सामने एक ये भी ऑप्शन के रूप में होगा, तो उस समय टिक क्या करना, ये ऑप्शन वाला ही हमें टिक करना। तो ठीक है, ये हमारे यहाँ पर उदाहरण हो गए, एक बार इसका रिवीजन कर लें कि उभ सर्वतसोह कार्या धिगु पर्या दिशु त्रिषु द्वितीया मृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, कि उभ सर्व के साथ अगर तस प्रत्यय किया जाता हो तो उसके योग में द्वितीया हो जाती है। यहाँ पर जैसे कृष्णम में उभयता कृष्णम गोपा, यहाँ पर जिस प्रकार से द्वितीया इन्होंने की है, यहाँ पर सर्वता हा कृष्णम गोपा, यहाँ भी कृष्णम में सर्वता के योग में द्वितीया हो गई। इसके बाद धिक पिशुनम में धिक के योग में जो है वो पिशुन शब्द में द्वितीया का विधान कर दिया गया, यहाँ कर्मणि द्वितीया से कोई मतलब या कोई संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं ऊपरी अधि और अधः शब्द को लेकर। इन्होंने कहा ऊपरी अधि और अधस है अगर वो आम्रेडित हो जाता है तो उसके योग में भी क्या हो जाती है, द्वितीया हो जाती है। तो द्वितीया हो जाती तो आपको ये याद रखना है कि आम्रेडित करने के लिए आपको शब्द को दो बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप शब्द को दो बार पढ़ते हैं तो ऐसी अवस्था में उस शब्द का जो पीछे वाला शब्द है वो आम्रेडित संज्ञक माना जाता है। अगर यहाँ पर ऊपरी और ऊपरी को हम दो बार पढ़ लेते हैं तो पीछे वाला जो ऊपरी है वो तस्य परिमाम्रेडितम सूत्र के द्वारा आम्रेडित मान लिया जाता है। ऐसे अधि अधि को अगर हम दो बार पढ़ते हैं तो पीछे वाला जो अधि है वो आम्रेडित माना जाता है, और इसी प्रकार से अगर हम अधा और अधा को दो बार पढ़ते हैं तो पीछे वाला अधा जो है वो आपका आम्रेडित माना जाएगा। ऐसी अवस्था में उस आम्रेडित के योग में जो शब्द रहेगा उस शब्द में द्वितीया कर ली जाएगी। जैसे ऊपरी ऊपरी लोकम में ये जो लोक है ये द्वितीया का भाजक हो गया, अध्यधि लोक में यहाँ पर भी लोकम द्वितीया का भाजक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आम्रेडित जो अध्यधि है इसके योग में जो लोक शब्द है इसको हमने क्या कर दिया, द्वितीया कर दी।
ऐसे अधो अधा के योग में जो मेघान है, इस मेघान में द्वितीया हुई और इसके योग के साथ ही नव शब्द में भी द्वितीया हुई। इन सारी द्वितीया के अंदर कर्मणि द्वितीया का कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा द्वितीया का विधान किया जा रहा है, संज्ञा करके द्वितीया का विधान नहीं है, डायरेक्टली आपका द्वितीया का विधान है। बात करते हैं कि यहाँ पर जो इनको द्वित्व किया गया, अगर प्रश्न की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर इनको जो द्वित्व किया गया है वो द्वित्व किया गया है सामीप्य अर्थ में, कि जब ऊपरी ऊपरी या अधि या अधा का अर्थ सामीप्य होगा, उस सामीप्यता को कहने के लिए जो है वो उनको द्वित्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न की दृष्टि से इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सामीप्यता को दिखाने के लिए जो है वो ऊपरी आदि शब्दों का द्वित्व कर लिया गया है। अगला वार्तिक देखते हैं, अगला वार्तिक क्या हमें बताता है देखिए। अगला वार्तिक है अभिताः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। देखो अपि का अर्थ होता है भी, क्या है भी, बोले योगे प्रतियोगे अपि अर्थात प्रति के योग में भी। वैसे तो आपने सीधा इनका अर्थ पढ़ा भी होगा कि अभिताः परितः समया निकषा हा और प्रति, कितने शब्द हमारे पास हैं, छह शब्द हैं। ठीक है, एक है अभिता, दूसरा है परिता, एक है समया और एक है निकषा। आप देखेंगे हमारे पास जो है वो छह शब्द हैं, अभिता परिता समया निकषा हा और प्रति। ठीक है, बोले इनके योगे अपि अर्थात इनके संबंध से, दूसरे शब्द में इनके योग से जो अगला शब्द होगा, अगला छोड़ दीजिए जो दूसरा शब्द होगा, बोले उस दूसरे में भी क्या, तो कहते द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इनके योग से दूसरा शब्द जो है उसमें द्वितीय हो जाएगी, अर्थात इनसे जो संबंधित शब्द है उस संबंधित शब्द में द्वितीय विभक्ति कर ली जाती है। आप देखेंगे अभिता, पहला उदाहरण हमें मिला है अभिता का। देखो अभिता का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, अभिता का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। तो कहते अभिता अर्थात चारों ओर, क्या है, चारों ओर। प्रश्न आपको उदाहरण दिया है, परिजनाः राजानम अभिताः तस्थौ। ये तस्थौ जो रूप है वो स्था धातु का है, लिट लकार का है। तो परिजनाः अर्थात नौकर, परिजन का मतलब नौकर, परिजनाः अर्थात नौकर जो है वो राजानम, राजा के अभिताः अर्थात चारों ओर, तस्थौ मतलब खड़े थे। तो चारों ओर किसके चारों ओर खड़े थे, किसके चारों ओर खड़े थे, तो राजा के चारों ओर खड़े थे। तो राजा अभिता का जो संबंध जाता है, अभिता अभिता का जो योग बैठता है वो बैठता है राजा के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो राजा प्रातिपदिक है, राजन है, उस राजन में क्या कर दी, द्वितीय विभक्ति कर दी, किसके योग में, अभिता के योग में। ठीक है, कौन खड़े थे, तो परिजनः खड़े थे अर्थात नौकर खड़े थे। किसके चारों ओर खड़े थे, तो राजानम, राजा के चारों ओर खड़े थे। इसलिए राजन जो प्रातिपदिक था उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया गया, क्योंकि वह शब्द जो है वो अभिता से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें परिता की, तो वही कहते बोले परितः, परितः का अर्थ भी जो है वो चारों ओर होता है, कहते परितः अर्थात चारों ओर। ठीक है, क्या चारों ओर, तो उदाहरण दिया है रक्षांसी वेदिम परितः निरातस्थ, निरातस्थत अर्थात निरस्थत, सॉरी निरस्थत निरास्थत, एक मिनट, हाँ निरास्थत, कि रक्षांसी वेदिम परिताः निरास्थत अर्थात रक्षांसी मतलब राक्षसों को, वेदिम परिताः। ठीक है, किसके चारों ओर से, बोले वेदिम परिताः, वेदी के चारों ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेदी है उस वेदी के चारों ओर,
परितः का जो संबंध है वो वेदी के साथ है, इसलिए वेदी में जो है वो द्वितीय विभक्ति का योग हो गया। ठीक है भाई, इन्होंने कहा था कि जिस शब्द के साथ इनका संबंध होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया जाएगा। तो राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया गया। निरास्थत का अर्थ होता है निर आंग पूर्वक स्था धातु और लंग लकार का रूप निरास्थत अर्थात निकाल दिया गया। कहाँ से निकाला? तो वेदी से निकाला और वेदी के चारों ओर। चारों ओर शब्द के लिए परितः का प्रयोग किया और जो चारों ओर है वो किसके चारों ओर है? तो वेदी के चारों ओर है, इसलिए वेदी जो है उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया जाता है। समया की बात कर लें, देखो समया और निकषा का जो अर्थ है वो अर्थ एक ही है, इसलिए उन्होंने उदाहरण भी क्या कर दिया, एक ही दिया है। समया और निकषा का अर्थ होता है समीप। समया और निकषा का अर्थ होता है समीप। तो अर्थ इसके उदाहरण बनते हैं ग्रामम समया निकषा वा। ठीक है, तो समया और निकषा ये दोनों का अर्थ है समीप। तो किसके समीप है? तो ग्रामम अर्थात गाँव के पास, गांव के समीप। ठीक है, तो समया और निकषा का जो संबंध है वो बैठता है गांव के साथ। किसके साथ? ग्राम के साथ। ठीक है, अर्थात ये जो शब्द हैं वो किसे कह रहे हैं? ग्राम को कह। इन शब्दों का जो संबंध है वो है गांव के साथ, इसलिए ग्राम जो शब्द है उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। परीक्षाओं में प्रश्न सीधा इसी प्रकार से आपका आएगा कि ग्रामम समया निकषा बा, यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का विधान जो है वो किस सूत्र से किया गया? तो आप इस बात को याद रखना कि यहाँ पर जो द्वितीय का विधान है वो इस वार्तिक से दिया है। ठीक है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, ये जो वार्तिक है इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर द्वितीय का विधान जो है वो किया गया है। ठीक है, तो ग्राम में द्वितीय होगी क्योंकि आगे समया और निकषा है, इनका दोनों का अर्थ समीप होता है, तो इनके योग में भी जो शब्द है ग्रामम इसमें द्वितीय का विधान कर दिया गया। हा का अर्थ है हा अर्थात हा षठ। हा का अर्थ होता है जब हम हा या बहुत भयंकर दुख में होते हैं तो हा षठम। बोले हा के योग में क्या होता है कि जो भी शब्द होगा उस शब्द में द्वितीय का विधान कर लिया जाएगा। तो हा के योग में जो षठ शब्द है इस षठ में जो है वो द्वितीय का विधान कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी द्वितीय का विधान अभिता परिता इसी वार्तिक से होगा, कर्मणि द्वितीय से बिल्कुल नहीं होगा। तो हा षठम मतलब हे षठ या हाय षठ, ये इसका जो है आपका उदाहरण बनेगा। प्रति का देखते हैं। प्रति, प्रति का अर्थ होता है ओर। प्रति का अर्थ ओर। बहुत बड़ा उदाहरण दिया आपके सामने, मातुः हृदयम् कन्याम् प्रति स्निग्धम् भवति। मातुः हृदयम् कन्याम् प्रति स्निग्धम् भवति, अर्थात माता का जो हृदय है वो कन्या की ओर अर्थात कन्या के प्रति जो है वो कोमल होता है। ठीक है, किसका हृदय कोमल होता है? तो माता का हृदय कोमल होता है। किसके प्रति कोमल होता है? तो कन्याम प्रति। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो हृदयम में भी आपको द्वितीय दिखेगी, कन्याम में भी द्वितीय है, स्निग्धम में भी द्वितीय है। अब आपको ये लगता है कि ये सब द्वितीय में ही हैं या स्निग्धम हृदयम प्रथमा का रूप है। ठीक है, तो अब हमें ये कन्फ्यूजन रहेगा कि प्रति शब्द बीच में है, तो अब ऐसी अवस्था में प्रति का जो संबंध है वो स्निग्धम के साथ भी है, समीपता की दृष्टि से कन्या के साथ भी है, और दोनों में अगर एक दृष्टि से, एक मोटी दृष्टि से आपको द्वितीय दिखाई पड़ रही है। अब समस्या ये है कि प्रति के योग में द्वितीय स्निग्धम में हुई है या प्रति के योग में द्वितीय कन्याम में हुई है। तो आप अगर हिंदी का अर्थ पढ़ेंगे तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि माता का जो हृदय है वो कन्या के प्रति, किसके प्रति? कन्या के प्रति। ठीक है, कन्या के प्रति। तो प्रति का जो संबंध है वो किसके साथ है? कन्या के साथ है। ठीक है, तो कन्या के साथ है इसलिए कन्या में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो कन्याम प्रति अर्थात कन्या की ओर या कन्या की प्रति कैसा होता? बोले स्निग्धम भवति अर्थात कोमल होता है। तो ये हमारे जो हैं वो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, इस वार्तिक के ये उदाहरण है कि अभितः परितः समया। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभितः
परितः, समया, निकषा, हा और प्रति, ये जो छह शब्द हैं, इन छह शब्दों में इनका संबंध जिस शब्द के साथ होगा उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें किस सूत्र से या किस वार्तिक के कारण से द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है, तो यहाँ पर द्वितीय का विधान होता है इस वार्तिक से। आप उदाहरण देखेंगे, परिजनः राजानम अभिता तस्थौ, यहाँ पर अभिता के योग में राजानम में द्वितीय हुई है। रक्षांसी वेदिम परितः निरास्थत, यहाँ पर परितः के योग में वेदिम में द्वितीय हुई है। ग्रामम समया निकषा बा, समया और निकषा के योग में ग्रामम में द्वितीय है। हा षठम, हा के योग में षठम में द्वितीय है। और मातुः हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, प्रति के योग में कन्याम, जो ये जो शब्द है कन्या, इसमें आपको द्वितीय का विधान है। ठीक है, तो इसमें एक दो शब्द और हैं जिनके योग में भी उपपद विभक्तियां हो जाती हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। अगला एक सूत्र देखते हैं हम, अंतरांतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते ये सूत्र है पाणिनिष्ठाध्याय का, बस आपको समझना है मात्र। देखो दो शब्द हैं, एक शब्द का नाम है अंतरा और दूसरे शब्द का नाम है अंतरेण। ठीक है, एक शब्द आपका अंतरा है, दूसरा अंतरेण है। अब ये कहते हैं कि अंतरा और अंतरेण का जब योग होगा, अर्थात जब वाक्य में अंतरा या अंतरेण ये शब्द प्रयोग होंगे, तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। ठीक है, वहाँ भी क्या करते हैं, बोले युक्ते अर्थात अंतरा और अंतरेण के योग में क्या होता, बोले द्वितीय अर्थात द्वितीय का विधान कर लेते हैं। अब एक बड़ी बात यह है, पहले तो हमें इसका अर्थ समझना है कि अंतरा का अर्थ क्या है और अंतरेण का अर्थ क्या है। अंतरा का अर्थ के बारे में बात करें तो अंतरा का अर्थ होता है बीच, मध्य। ठीक है, तो मध्य अंतरा का अर्थ है, और अंतरा शब्द के योग में जो भी शब्द होगा उसमें द्वितीय का विधान हो जाएगा। ऐसे अंतरेण का जो अर्थ होता है, अंतरेण के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है विषय और एक अर्थ होता है विना। विषय मतलब किसी के विषय में, और विना का अर्थ होता है उसको छोड़कर, किसी बात को छोड़कर विना। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। इन्होंने कहा कि अंतरा और अंतरेण के योग में जो है वो इन अंतरा और अंतरेण का जिसके साथ संबंध होगा वो द्वितीय विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे, या उनमें द्वितीय विभक्ति कर ली जाएगा। उदाहरण से देखते हैं, पहला उदाहरण है हमारा अंतरा का। अंतरा त्वाम माम हरिः, अंतरा त्वाम माम हरिः, अर्थात तुम्हारे, अंतरा मतलब बीच में, त्वाम मतलब तुम्हारे, माम मतलब मेरे, हरि मतलब हरि, अर्थात तुम्हारे और हमारे जो बीच में हैं वो हरि हैं। ठीक है, तो यहाँ अंतरा शब्द का प्रयोग जो है, या अंतरा शब्द का जो संबंध है, वो त्वाम के साथ भी जुड़ा है और अहम के साथ भी जुड़ा है। अर्थात अंतरा शब्द का संबंध तुम्हारे साथ भी है और हमारे साथ भी है, क्योंकि हरि का जो स्थान है वो तुम्हारे और हमारे दोनों बीच में है, दोनों के बीच में है। तो अंतरा शब्द जैसे तुमसे कन्वर्ट है, उसी प्रकार से मेरे से भी कनेक्टिविटी उसकी हो रखी है। तो अंतरा अर्थात बीच में, किसके बीच में, तो त्वाम और माम अर्थात तुम्हारे और मेरे बीच में। ठीक है, तो यहाँ अंतरा से जो संबंधित है वो त्वाम और माम है, इसलिए त्वाम और माम में क्या हो रखी है, द्वितीय विभक्ति हो रखी है। ठीक है, तुम्हारे और मेरे। ठीक है, वैसे आपको हिंदी के अर्थ में षष्ठी का विधान सा लगेगा कि देखो तुम्हारे और, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारे मकान, और हमारा भाई, हमारी पुस्तकें, हमारी गाड़ियाँ, हमारे मकान। यहाँ पर आपको षष्ठी का दिखाई देगा, संबंध दिखाई देगा, लेकिन उन्हें कहा जब बीच शब्द का प्रयोग हो जाए, ठीक है, मध्य अंतरा शब्द का प्रयोग हो जाए, बीच को कहने के लिए अंतरा शब्द का प्रयोग हो जाए, तो फिर ऐसी अवस्था में द्वितीय का विधान कर लिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर द्वितीय का विधान हो रखा है। दूसरा हम शब्द पकड़ते हैं अंतरेण। देखिए अंतरेण का जो अर्थ है वो दो हैं, एक है विषय और दूसरा है बिना। विषय मतलब किसी के विषय में, उदाहरण दिया आपके कि रामम अंतरेण न किंचित जानामि, ये विषय का उदाहरण है। रामम अंतरेण, राम के बिना अर्थात राम के विषय में या राम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, रामम अंतरेण। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि राम के बिना,
नहीं विषय है तो राम के बारे में या राम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अब बात ये आती है कि अंतरेण का जो योग है उस अंतरेण के योग में किंचित में या नामे द्वितीया हो या रामम में द्वितीया हो, किस तो आप हिंदी के अर्थ से ये बात स्पष्ट हो जाएगी आपको कि किसके विषय में नहीं जानता, तो राम के विषय में नहीं जानता। ठीक है, किसके विषय में नहीं जानता, तो राम के विषय में नहीं जानता। राम के विषय में नहीं जानता है इसलिए अंतरेण का संबंध जो है वो राम के साथ है। ठीक, अंतरेण का संबंध राम के साथ है कि राम के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, राम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो अंतरेण का जो योग है वो राम के साथ है इसलिए राम में जो है वो द्वितीय विभक्ति कर ली गई है। रामम अंतरेण न किंचित जानामि। प्रश्नों की दृष्टि से बात करें तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं कि रामम अंतरेण न किंचित जानामि इस वाक्य के अंदर रामम इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से हुआ है। तो इसमें आपको देखना है कि अगर कोई विशेष नहीं है तो अंतरेण है और अंतरेण के योग में राम शब्द में द्वितीय का विधान जो है वो आपका कर लिया गया। बात करें बिना की, एक अंतरेण का अर्थ बिना भी होता है। ठीक है, बोले त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुम समर्थः, अर्थात त्वाम अंतरेण तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। प्रतिकार का अर्थ होता है बदला लेना, प्रतिकर्तुम अर्थात बदला लेने में समर्था मतलब समर्थ है। किसके बिना, बोले त्वाम अंतरेण तुम्हारे बिना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिना का जो संबंध है वो तुम्हारे के साथ जाता है कि किसके बिना, तुम्हारे बिना। ठीक है, तो तुम्हारे बिना इसीलिए अंतरेण का जब योग हुआ तो जो शब्द है त्वम इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया गया और इसको त्वाम में कन्वर्ट कर लिया गया। हिंदी के अनुसार अर्थ देखेंगे तो तुम्हारे बिना अर्थात यहाँ पर आपको साधन दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर अंतरेण की बात करेंगे तो अंतरेण के योग में आपको द्वितीय विभक्ति का विधान ही दिखाई पड़ता है कि अंतरेण का जब योग हो और अंतरेण का संबंध जिस शब्द के साथ जाएगा उस शब्द में द्वितीय विभक्ति कर ली जाती है। तो यहाँ पर अंतरेण का संबंध जो है वो त्वाम के साथ है इसलिए त्वाम में जो है वो द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया गया है। तो ये जो आपके अंतरा अंतरेण के उदाहरण और सूत्र था, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम कि अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण ये जो दोनों शब्द हैं इनके योग में भी अन्य शब्द में द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया जाता है जिस शब्द के साथ इनका संबंध हो। अब यहाँ पर अर्थ की बात करें तो अंतरा का अर्थ है बीच में और अंतरेण के दो अर्थ बनते हैं, एक अर्थ है विषय और दूसरा अर्थ है बिना। अंतरा का उदाहरण देखें तो त्वा अंतरा त्वाम माम हरि, अर्थात तुम्हारे और हमारे बीच में जो हैं वो हरि हैं। यहाँ पर अंतरा का संबंध जिस प्रकार से त्वाम के साथ है उसी प्रकार से माम के साथ है, इसीलिए त्वाम और माम दोनों जगह द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया गया। हिंदी के अनुसार देखें तो आपको यहाँ पर षष्ठी की कुछ ना कुछ एक गंध छोटी सी नज़र आएगी, लेकिन वहीं संस्कृत में अगर अंतरा का प्रयोग किया गया हो तो उस अंतरा का संबंध जिन जिन शब्दों के साथ बैठेगा या जिस शब्द के साथ बैठेगा उसमें द्वितीय का विधान कर लिया जाएगा। अंतरेण के विषय में बात करें तो अंतरेण के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है विषय और दूसरा अर्थ है बिना। तो अंतरेण जब विषय में जाएगा तो रामम अंतरेण न किंचित जानामि, अर्थात राम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। तो किसके विषय में नहीं जानता, तो राम के विषय में नहीं जानता। तो अंतरेण का जो संबंध है वो राम के साथ है इसलिए राम में जो है वो द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया गया। ऐसे ही अगर हम बिना के विषय में बात करें तो बिना जो है त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुम समर्था, अर्थात तुम्हारे बिना कौन दूसरा है जो बदला ले सकता है। तो यहाँ पर भी अंतरेण का जो संबंध है अर्थात अंतरेण का जो संबंध है वो त्वाम के साथ है अर्थात तुम्हारे बिना, ये अंतरेण का संबंध है इसलिए त्वाम में जो है वो आपकी द्वितीय विभक्ति हो रखी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा। आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, जो जो हमारी और आपकी तरह TGT की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या नेट JRF
या सीटेट आदि की भी तैयारी करें, उनके बीच में इसको शेयर करें, क्योंकि अधिक लोगों को अगर फायदा हो तो उसका अधिक परिणाम भी आपको मिलेगा। ठीक है, सभी के लिए नमः संस्कृताय। आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं।